काम न करना कोई बच्चों का खेल है। ठीक है, विनाश करने के प्रेत व्यक्ति हुआ अभ्रम के वश विश्व अमृत दाता है तू, समुद्र खोल तू पत्थर को बनकर मानता है तू, पुरानी जीव का अच्छा भी कर्मा जी होता है, किसी का नाश होता है तो पहले कभी जीव होता है। अरे मुल्क जाने कुछ तो जान कर, मेरी शक्ति बेहतर का नहीं तो ध्यान कर, निंदास भ्रष्ट है इशारे पर यम करो, आज जब चल रहे मेरी जल पवन है, बोलते हैं आपकी जल में ना लोग मेरे भवन बाधा नवा रहे हैं, सितारे वही गगन आज भी मेरी जीव भी मृत्यु भी प्राण भी है, देश मेरे हाथ में अमृत का स्थान भी सब कुछ है, परंतु इसका और समय ना जग में जीवित रहे विजेता, ना ज्ञानी गुणवान ही बचे हैं, ना रण से बांधे ना प्रण के पूरे, ना ज्ञानी गुणवान ही बचे हैं, ना सेना नायक ना गुर्जर साहब, ना लोभी बलवान ही बचे हैं, ना सत्योगी ना राजभोगी ना उत्तमान ही बचे हैं, ये संपदा ये वैभव आज में ना कोई पास होगा, जो काल है आज तेरे बस में उसी का जो एक दिन पास होगा, एकता पकड़ एकता बता चेटा करेगा जो पप्पा पप्पा जी तो जीत करी निकाल लूंगा, भटक के खुशी से घरे में जान पाती निकाल लूंगा, लोगों में होगी रक्षा कोई बहाना नहीं मिलेगा, समझ ले मेरे बैरी को जब मैं निकाला नहीं मिलेगा, कोई तो मिट्टी पाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा, पड़ी सजी लाश मेरी उठाने वाला नहीं मिलेगा, भाग जाता है बोलने से, जवान भर भर जला रहा है, शहर में करता जा रहा हूँ उतनी दिखाई दिखा रहा है, दुबाई करता ही जा रहा हूँ अगर मैं करता ही जा रहा है, मैं दूर हूँ ऐसे चुप हूँ तो सिर पर चढ़ता ही जा रहा है, सब बन गए टूटा बनाई जिंदगी बढ़ाता है, भगवान आता है, मैं जिनको भगवान मानता हूँ वो तीन लोग के है बिठाता है, जो तू है सिवा तो वो है स्वामी, जो तू है बिचारी तो वो है दाता, समय समाज कोई संभाल जा रहा है, आज कुछ जीने से तंग आया, अरे महादेव भक्त जनते आज तुझे रावण का भाग खाया, मैं तेरा भाग खा जो पूरा नहीं गुरु ने मेरे सिखाया, उनका मिटाएगा दूसरे को इसे तो कर्मो ने है मिटाया, जो मेरा मेरा सर चढ़ाता हूँ तेरा विध्वंस करके लाल सूत्र को खिलाता हूँ, किसी भी शक्ति से भय खाना हमारा काम है,
सदा गरजने वाले बादल तो बहुत कभी बरसते हैं, ये सब सोना भी होते बना जो चमकते हैं, अगर विश्वास भी छूते कपट करते नहीं करते। सुनील भारद्वाज सर, आज नरेला आदर्श रामलीला के क्या क्या प्रोग्राम है इसके बारे में बताओ। आज सबसे पहले हमने रामलीला में पूजा की है, उसके बाद बच्चों का कंपटीशन था, डांस कंपटीशन, बच्चों का डांस कंपटीशन कराया गया है। उसके बाद मेघनाथ जी हनुमान जी को पकड़ के लेके जाएंगे और उसके बाद उनकी पूंछ में आग लगाई जाएगी हनुमान जी की, जिससे कि वो लंका दहन करेंगे। ये आज का प्रोग्राम। सर, लोगों को क्या राय देना चाहोगे नरेला में आदर्श रामलीला और यह बढ़ चढ़ के लोग आए, बच्चों का भी डांस है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो हमारे यहाँ डांस कॉम्पिटिशन चल रहा है उससे पब्लिक बहुत खुश है और उसमें बच्चे और उनके माता पिता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो नरेला में और लोगों को भी आना चाहिए आदर्श रामलीला देखने के लिए? हाँ, नरेला में और लोगों को भी आना चाहिए आदर्श रामलीला देखने के लिए। जिस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे लगता है अगली बार इससे बहुत ही ज्यादा और आदमी यहाँ पे देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए आएंगे। आज भी हमारे यहाँ पे भीड़ काफी आ रही है। लगभग कितनी गैदरिंग आई होगी? लगभग 30,000 के करीब गैदरिंग आई हुई है, 30 से 35,000 के करीब। अगर सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। सेफ्टी फायर के लिए स्प्लेंडर रखे हुए, हमने फायर की गाड़ी मंगाई हुई है, अपने वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं और एम्बुलेंस लगाई हुई है, यहाँ पे कैट खड़ी हुई है। दूर दूर से जो लोग इन्वाइट करते हैं, तो आज सौभाग्य से हमें भी इनका समय मिला है, क्योंकि समय हर रोज मांगते थे लेकिन कभी द्वारका, कभी रोहिणी, कभी सोनीपत, ऐसे का तो कोई ना, क्योंकि इतने बड़े समाज से भी तो कोई ना कोई इनको बुलाता ही रहता है, तो आज सौभाग्य से हमें भी समय मिला है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार राजेंद्र सिंगल जी के लिए एक बार तालियां हो जाए, और राजेंद्र सिंगल जी जैसे कि नरेला और आसपास के लोग हैं वो भली भांति सिंगल साहब को जानते ही हैं, दोनों मोर्चों पर गौशाला है और बीजेपी में भी काफी समय से सेवा कर रहे हैं लोगों की, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े छुपे हुए समाज सेवी हैं। कोई लोग तो करता काम है दिखाते ज्यादा है, दिखावा ज्यादा करते हैं, लेकिन सिंगल साहब करते ज्यादा दिखावा कम करते हैं। तो एक बार प्लीज फिर से तालियां हो जाए सिंगल साहब के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंगल साहब जैसे जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे और उनका जो आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जैसे सिंगल साहब को पता चला हम सिंगल साहब के पास गए तो उन्होंने हमारी काफी मदद की, और इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जैसे आगे भी मेरे से जो भी मदद बन पड़ेगी, जो भी सहयोग बन पड़ेगा वो आप लोगों के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसे जो बड़े भाई हमारे सिंगल साहब, ऐसे लोगों का जब तक आशीर्वाद हमारे सर पर रहेगा, हाथ हमारे सर पर रहेगा, हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हर दिन अच्छा करते रहेंगे। जैसे कि हमारे रोकी जी है, छोटी जो बच्चियां हैं उनके लिए प्रोग्राम करवाते हैं ऐसे सिंगल साहब, जो लड़कियां हैं गरीब उनकी शादी करवाना, या आश्रम में जो भी इनसे बन पड़ता है वो करते रहते हैं। तो मैं सिंगल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दो शब्द हमारी जो यहाँ पे जनता बैठे, हमारे भाई बहन जो बैठे हैं उनके लिए प्लीज दो शब्द जरूर कहें। नरेला आदर्श रामलीला डेमो की तरफ के सभी पदाधिकारी, साथियों, कलाकार बंधु और मेरे भाई राजेश खत्री जी जो है, जो काफी दिनों से हम आपस में जुड़े हुए हैं, जो है एक दूसरे का स्नेह प्यार सहयोग मिलता रहता है, जो है और सभी राम भक्तों प्यारे बच्चों, जो है आज जो है नवरात्रों का अवसर है, जो है और इस नवरात्रे के अवसर में जो है सभी लोग शक्ति की पूजा करते हैं, चाहे वो देवता है